4 जून मतगणना दिवस को मौसम विभाग की ओर से भीषण गर्मी की घोषणा की गई है। इसी के चलते मतगणना दिवस को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी राकेश कुमार ने अधिकारियों संग कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया, जहां गर्मी के मद्देनजर बिजली और जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस के अधिकारियों, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के साथ भी बैठक की गई। वहीं जिलाधिकारी राकेश कुमार ने मतगणना को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि बिना पास के किसी की भी एंट्री मतगणना स्थल में संभव नहीं होगी, जिसके लिए पुलिस अधिकारियों को पहले ही निर्देशित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सभी ऐसे विभाग जो मतगणना से संबंधित है, उनको भी अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप मतगणना पूरी तरह से सुगम और शांतिपूर्ण ढंग से की जाएगी। पचास को नहीं ले जाना है, पचास कहाँ लेके जाएंगे उसमें जो है वो। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि उनको अंदर की तरफ से, हाल के अंदर की तरफ से अलाउ नहीं, जिधर एजेंट खड़े रहेंगे मतलब गणना एजेंट, उधर की तरफ से उनके लिए रूल यही है कायदे से, तो कि वो दरवाजे के पास जाएंगे और मतगणना हाल का फोटो लेंगे, सारा सील होकर के वो बक्से में रखा जाएगा। तो जो लिफाफे वगैरह होते हैं, जैसे मतपत्र लिखा है, पीठासीन अधिकारी की डायरी है, 17 सी रजिस्टर है, 17 सी है, सारा कुछ सील होगा। सील होने के बाद वो सब बॉक्स में बंद किया जाएगा, बॉक्स में बंद करने के बाद वो सील होगा और फिर इसके बाद उसको जो है वो और प्लस मशीनें एक कंटेनर में रख करके विधानसभा वाइज कंटेनर में पैक होगी और वहाँ से ला करके यहाँ पे सरसिया घाट में उतार करके स्नान होकर। जैसे इनके एजेंट्स वगैरह रहते हैं तो पानी और इनके खाने वगैरह के लिए बाहर निकल के आके जहाँ फिस्किंग होगी, हम लोगों ने ये सोचा था वो जो मंडी का जो मेन वो है ना, जहाँ तक बताया गया, जहाँ तक मोबाइल जो है ला सकते हैं उस, वहाँ पे जो है उनका खाना वाना लेकर के आएंगे। तो एक आदमी जो उनका हाल में होगा ना, वो गणना भी करता है। हम लोगों ने वहाँ मतगणना स्थल पे चूंकि गर्मी को देखते हुए वहाँ पे जो सारा प्रबंधन है, चाहे वो बिजली का प्रबंधन हो, पेयजल की व्यवस्था हो, साथ ही वहाँ पे जो सामुदायिक सुविधाएं हैं और इसी तरह से कार्मिकों के लिए और गणना अभिकर्ताओं के लिए, तो उन सभी व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक विभिन्न विभागों के साथ की गई थी। पुलिस विभाग के साथ भी बैठक की गई थी, खासतौर से क्योंकि मतगणना स्थल पर जिनके पास पास होगा, जो अधिकृत होंगे वही अंदर जा सकेंगे, तो उसको सब दृष्टिगत रखते हुए खासतौर से पुलिस विभाग के साथ, लोक निर्माण विभाग के साथ, बिजली विभाग के साथ, मंडी के साथ, प्लस जो है नगर निगम के साथ, तो सारे जितने भी व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले विभाग हैं उनके साथ जो है बैठक की गई और उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि कौन क्या प्रबंधन करे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.